पांच जिलों को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम गहलोत बोले, महामारी से केंद्र और राज्य को मिलकर साथ चलना चाहिए। आरएएस मेंस 2018 के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 21 जून से 13 जुलाई तक होंगे बचे हुए इंटरव्यू। कोरोना महामारी के चलते इन्हें स्थगित किया गया था। भारत को 2 करोड़ वैक्सीन देने के ऐलान के बाद अमेरिका का एक और बड़ा कदम, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जरूरी कच्चे माल से हटाई रोक और भारत में वैक्सीन निर्माण में अब तेजी आएगी। दूसरी लहर पर विजयश्री की ओर हिंदुस्तान, 24 घंटे में मिले 1,31,280 नए संक्रमित केस, 2,05,771 ठीक हुए, 2,705 लोगों ने जान गंवाई। पर्यावरण परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की, सीएसआईआर की बैठक में कहा, भविष्य में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती बनेगा, अभी से तैयारी करनी होगी। नहीं थम रहा केंद्र बनाम बंगाल का सियासी तूफान, बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के जवाब से संतुष्ट नहीं केंद्र सरकार, कहा जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाए। इसराइल में दिलचस्प हुआ सत्ता संघर्ष, विपक्षी गठबंधन के बहुमत के दावे को बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज किया, सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रवाद का दाव चला जा सकता है। अनलॉक होते ही प्रदेश में लोग लापरवाह हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, बाजारों में हाल बेहाल दिखा और अभी भी दूसरी लहर से सबक नहीं लिया। धरती के भगवान पर भी कोरोना काल का कहर टूट पड़ा, आईएमए ने डॉक्टर्स की मौतों को लेकर बड़ी जानकारी दी, कहा दूसरी लहर में 2 जून तक 624 डॉक्टर्स की मौत हो गई। महाराष्ट्र के शिरगांव आतेवाड़ी में इंडस्ट्रियल गैस का रिसाव, कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी और आंख में जलन की भी शिकायत हुई। क्या मुनाफा वसूली में जुटी तेल कंपनियां, पेट्रोल डीजल की दर में आज फिर इजाफा, पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 31 पैसे महंगा हुआ। 5G पर जूही चावला की अर्जी खारिज, हाईकोर्ट ने याचिका के लिए 20 लाख का जुर्माना ठोका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। राजधानी जयपुर में अवैध निर्माण पर जेडीए की कार्रवाई, स्वेज फार्म में 4 मंजिला अवैध फ्लैट्स को सील किया गया, 220 वर्ग गज के भूखंड पर जीरो सेटबैक पर इमारत खड़ी की थी। सीएम गहलोत की बजट घोषणाओं को पूरा करने की कवायद तेज, पूरे जोर शोर से परिवहन विभाग जुटा, पंजीयन कोड और लाइसेंस कोड जारी किए। केरल में आ गया मानसून, 2 दिन की देरी से लेकिन दुरुस्त आया, 101% बारिश का अनुमान, राजस्थान में 30 जून तक एंट्री संभव है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीनेशन का अपना आदेश वापस लिया, सरकार अस्पतालों की तरफ से वैक्सीन फंड में पैसा रिफंड करेगी। यूपी में मरीजों को बड़ी राहत मिली, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई ओपीडी सेवाएं, सामान्य मरीजों ने राहत की सांस ली। 1989 में 3 जून को बीजिंग में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर चीन सेना ने बर्बरता की थी, बंदूकों टैंकों से कार्रवाई की और इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को थे आनंदमन स्क्वायर नरसंहार के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से हाहाकार, मरीजों को भारी परेशानी हो रही, शिवराज सरकार ने सख्त चेतावनी दी। प्रदेश में केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन करवाने को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात कर ये ज्ञापन सौंपा और कहा केंद्र की वैक्सीन देने की नीति सफल नहीं हुई। ब्लैक फंगस के देश में रिसर्च होनी चाहिए, सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से इसकी मांग की और कहा भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ये बीमारी नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना फ्री विलेज प्रतियोगिता का आयोजन, 50 लाख तक रुपए दिए जाएंगे जो इसमें जीतेगा। अब तक 22 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, महाराष्ट्र की सरकार ने अनोखी योजना की शुरुआत की। इंदौर में पत्नी को पड़ोसी के कुत्ते ने काटा, पति ने गुस्से में आकर लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर बेजुबान की जान ले ली, आरोपी का दावा, कुत्ते ने इलाके में कई लोगों को काटकर उसे घायल किया। चीन से तनातनी के बीच समंदर में अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, 6 मई पनडुब्बियों के निर्माण का रास्ता साफ। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की प्रेस वार्ता, ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव, नहीं बदली रेपो रिवर्स रेपो की रेट।